हमारे आदरणीय शिक्षक साथियों एवं शिक्षार्थियों, मैं अवधेश कठिन मेहनत करके बिहार के सभी शिक्षार्थियों को कम से कम समय में एक पाठ की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसके दौरान आप सभी जान पाएंगे कि उक्त पाठ से कितने प्रश्न और आपको जानना जरूरी है, जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काम आएंगे। मैं यह भी बता दूं कि यह YouTube पर वीडियो बनाकर पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि बिहार के तमाम शिक्षार्थियों तक यह पाठ को पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। अगर मेरा उद्देश्य आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया करके इस वीडियो को प्रत्येक 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं, और हो सके तो इसके ऊपर के भी छात्रों को इससे लाभान्वित करें, चूंकि यह प्रतियोगिता परीक्षा में भी काम आने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था हमारा भारत, तो आपको बताना है आजादी के बाद भारत की कौन सी समस्या नहीं थी। आजादी के बाद भारत की कौन सी समस्या नहीं थी? ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पुनर्वास और काम की समस्या, ख है 500 से अधिक देशी रियासतों के विलय की समस्या, सबके लिए अज्ञानता और बीमारी और इंसाफ की समस्या, भारत के नेतृत्व एवं मताधिकार की समस्या। तो कौन सी समस्या थी, ध्यान से देखिए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा भारत में नेतृत्व एवं मताधिकार की समस्या नहीं थी। ठीक है, भारत में नेतृत्व, नेतृत्व मतलब कोई नेता था कि नहीं, तो नेता बहुत सारे थे। मताधिकार की बात किया जाए तो मताधिकार क्या है, तो मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का अधिकार भारत में प्रारंभ से ही रहा है, तो ये भी एक समस्या नहीं थी और बाद बाकी समस्या थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारत की आजादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? भारत की आजादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन क्या है, 34.5 करोड़, 35.35 करोड़ ओनली, और 36.5 करोड़, 32.5 करोड़। चलिए मैं आंसर बता देता हूं, आंसर होगा आपका 34.5 करोड़। उम्मीद है कि सारे बच्चों ने इसको इसका सही उत्तर दिया होगा, क्योंकि प्रथम पृष्ठ पर यह है। तीसरा प्रश्न है, भारत की आजादी के समय भारत के कितने प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित थी? भारत की आजादी के समय भारत के कितने प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित थी? 70%, 80%, 90% या 98%? चलिए मैं इसका भी आंसर, लोग बच्चों ने एकदम बखूबी सही दिया होगा, इसका भी आंसर होगा 90%। बहुत ही आसान सा सवाल था, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी आपका आंसर आ जाएगा ग। यहां पर ये दो डेट है, इन दो डेटों के भी बारे में आपको याद रखना चाहिए। क्या है, तो 9 दिसंबर को आप याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारा संविधान का पहली बैठक हुई थी, यानी संविधान सभा का प्रारंभ की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। नेक्स्ट 26 नवंबर को याद कैसे रखेंगे, तो 26 नवंबर 1949 को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो ये दोनों तिथियों को भी याद रखना है, और कुछ अंश इस दिन भी लागू हो गए थे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच अधिकारों एवं शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किसके द्वारा किया गया है? केंद्र सूची के द्वारा किया गया, राज्य सूची के द्वारा किया गया, संवर्ती सूची के द्वारा किया गया, या उपरोक्त में से सभी के द्वारा किया गया है?
तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी, केंद्र सूची के द्वारा भी, राज्य सूची के द्वारा भी और संवर्ती सूची के द्वारा भी। छठा प्रश्न है, संवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र को, राज्य को, उपरोक्त दोनों को या उपरोक्त में से किसी को नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची के अंतर्गत उपरोक्त दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के हिंदी भाषा को अपनाने के समय किसने कहा था, यदि हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे? ऑप्शन क है कृष्णमाचारी, ऑप्शन ख है अदालतों ने, ऑप्शन ग है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था या खांडेकर ने कहा था। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा क, ये क होगा आंसर इसका। आठवां प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अर्थात योगदान किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, सरदार पटेल का था या महात्मा गांधी का था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चों को जानना चाहिए। भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, भीमराव अंबेडकर की, सरदार पटेल की या महात्मा गांधी की? चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ख, और काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। नौवां प्रश्न है, संविधान ने समूचे देश के नागरिकों के लिए किसका प्रावधान किया ताकि देश की एकता अखंडता सुरक्षित रहे? संविधान ने समूचे देश के नागरिकों के लिए किसका प्रावधान किया ताकि देश की एकता अखंडता सुरक्षित बनी रहे? एक तिरंगा झंडा की व्यवस्था किया, एक संविधान की व्यवस्था किया, एक राष्ट्रगान की व्यवस्था किया या उपरोक्त सभी की व्यवस्था किया? तो आपको आंसर हो जाएगा इसमें, सोचिए। बिल्कुल सही जवाब, सभी ने इसका जवाब सही दिया होगा, उपरोक्त सभी। एक तिरंगा झंडा भी दिया, संविधान भी दिया और राष्ट्र गान भी दिया। दसवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब लोगों की भावनाओं को देखते हुए आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आश्वासन दिया था? यहाँ पर पुनर्गठन गलत लिखा हुआ है, इसके लिए क्षमा करेंगे, पुनर्गठन सही नहीं लिखा हुआ है, क्षमा करेंगे इसके लिए। आश्वासन दिया था 1910 ईस्वी के दशक में, 1920 ईस्वी के दशक में, 1930 के दशक में या 1940 के दशक में? तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी के दशक में। ग्यारहवां प्रश्न है, 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर किस गांधीवादी नेता ने 58 दिनों के भूख हड़ताल से सितंबर के बाद, सितंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी? कृष्णमाचारी की मृत्यु हो गई थी, पोट्टम श्री रामलू राजू की हुई थी या जेबी किपलानी का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा ख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भाषा के आधार पर भारत में किसे 11 अक्टूबर 1953 ईस्वी को एक नए राज्य का दर्जा दिया गया? महाराष्ट्र को, गुजरात को, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को? तो क्या होगा आंसर इसका, चलिए मैं बता दूं, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका भी बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया होगा। 13वां प्रश्न है, भारत में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिन्होंने 1956 ईस्वी में तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाल यानी बंगला, उड़िया, असमिया भाषी लोगों के लिए अलग अलग राज्य के पुनर्गठन हेतु सिफारिश किया था? तो किसने किया था ये काम, यानी भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली, शौकत अली, गफूर खां, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा क, फजल अली। 14वां प्रश्न है, आजादी के बाद सरकार ने भारत के विकास के लिए
नीति बनाने हेतु योजना आयोग का गठन कब किया था? आजादी के बाद सरकार ने भारत के विकास के लिए नीति बनाने हेतु योजना आयोग का गठन कब किया था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में? चलिए मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ग 1950 में। 15वां प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में किसके विकास की प्राथमिकता रखी गई थी? कृषि के विकास की प्राथमिकता रखी गई थी, उद्योग की, पर्यावरण की या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृषि। इसका आंसर, 15वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कृषि। 16वां प्रश्न है, हमारे भारत सरकार ने विश्व के विकसित देशों के सहयोग से किन जगहों पर बड़े बड़े स्टील प्लांट उद्योग लगवाए? ध्यान से प्रश्न को सुनिए, हमारे भारत सरकार ने विश्व के विकसित देशों के सहयोग से किन किन जगहों पर बड़े बड़े स्टील प्लांट उद्योग लगवाए? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो या इनमें से कोई नहीं? चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, आप भी उत्तर सही बताए होंगे। इसका आंसर होगा घ, यानी भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, तीनों स्टील प्लांट की स्थापना विदेशियों के सहयोग से हुई थी। 17वां प्रश्न है, हर व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने के लिए भारत में कौन सी योजना चलाई गई? हर व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने के लिए भारत में कौन सी योजना चलाई गई? महात्मा गांधी नरेगा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, डिजिटल इंडिया योजना या जन आरोग्य योजना? तो मैं इसका उत्तर बता दूं, इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी नरेगा। अब बोलिए ये क्या है, खाद्य सुरक्षा योजना क्या है, आपके मन में चल रही होगी। तो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना, जिसमें कि पैक्स के माध्यम से या तो फिर आपका डीलर के माध्यम से जो उपलब्ध करवाई जाती है, या तो फिर MDM के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ये सभी योजनाएं जो है सो इस खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये तीसरा डिजिटल इंडिया क्या है, तो आप तो इसके बारे में बढ़िया जानते होंगे, कि अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, डिजिटल इंडिया एक ऐसी योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया, और सारी योजनाओं को, सारे कामों को ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन यानी कंप्यूटर के द्वारा संपादित करने का व्यवस्था किया गया है। जन आरोग्य योजना, आरोग्य का मतलब ही होता है रोग से छुटकारा, अर्थात भारत के लोगों में किसी प्रकार का रोग ना हो और उससे मुक्ति के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से एक योजना चलाई गई जिसका नाम है जन आरोग्य योजना, यानी इसके अंतर्गत 5 लाख तक की बीमा की जाती है गरीब लोगों को, यानी 5 लाख तक का अगर खर्च लगता है तो वो सरकार वहन कर। कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली अर्थात अमेरिका के रूप में पहचान बनाई? यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको आप भारत का अमेरिका कह सकते हैं, या तो फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? तो तमिलनाडु, कोची, बेंगलोर और कर्नाटक। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। अब आपको लग रहा होगा कि सिलिकन सिलिकन वैली क्या हुआ, तो सिलिकन का आप इस तरह से जाने कि सिलिकन जो हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में जो चिप्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है, मेमोरी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो मेमोरी कार्ड जो है बनती है सिलिकन से ही बनती है। ये काफी अच्छी चीज है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें कि सिलिकन क्या है, तो मेमोरी कार्ड इससे बनाया जाता है और कंप्यूटर संबंधित सारे चिप्स वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति किस देश ने अपनाई? तमिलनाडु ने, ऑस्ट्रेलिया ने, रूस ने, भारत ने? तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब इसके संबंध में कुछ जानकारी और जुटा लेते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में अपनाई गई थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध
जब हुई थी तो पूरा विश्व जो है वो दो खंभों में बट चुका था। पहला का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरा का नेतृत्व रूस कर रहा था। तो भारत चूंकि गरीब था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे प्रोग्रेस करना है, और जब मुझे प्रोग्रेस करना है तो मुझे दोनों शक्तियों से मुझे सहायता की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से इन्होंने कहा कि मैं एक अलग गुट बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा गुट निरपेक्ष, जो कि दोनों शक्तियों से सहायता लेता रहेगा। और 20वां प्रश्न है, 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में किसने छात्रों को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का विचार रखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीमती इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, जयप्रकाश नारायण। बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। और 21वां प्रश्न है, गठबंधन एवं मोर्चे की राजनीति भारत में कब से शुरू हुई? गठबंधन एवं मोर्चे की राजनीति भारत में कब से शुरू हुई? 1989 ईस्वी से, 1990 ईस्वी से, 1992 ईस्वी से या 1991 ईस्वी से? चलिए मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा क। कुछ इसके संबंध में और जानकारी ले लीजिए। 1989 ईस्वी में पहली बार ऐसी हुई थी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो क्रांति चलाई गई थी, तो उस दौरान क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और ये गुट मिला करके, क्षेत्रीय गुट मिला करके एक सरकार बनी थी जो कि अगले 3 सालों तक मात्र काम कर पाई, यानी कि पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। यह गैर कांग्रेसी सरकार पहली थी, ठीक है। 22वां प्रश्न है, भारत में पोखरण 1 परमाणु परीक्षण किसकी सरकार में और कब हुआ? तो इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में हुआ, राजीव गांधी की सरकार में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि पोखरण परीक्षण प्रथम जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1974 ईस्वी में, और जब वो प्रधानमंत्री थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे 1998 ईस्वी में, तो 1998 ईस्वी में हुआ था, परमाणु परीक्षण दूसरा हुआ था, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, ये दोनों डेट को अच्छे से याद रखेंगे। 23वां प्रश्न है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी किसके भाषण का अंश है? वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, ऐसा किसके भाषण में कहा गया है या किसके भाषण का अंश है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जैसे ही इस चैप्टर का प्रारंभ करते हैं तो आप देखे होंगे कि एक असेंबली यानी सभा का चित्र दिया हुआ है, और उस चित्र के दौरान कुछ स्टोरी भी लिखी हुई है ब्लू कलर से। तो उसमें क्या है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक स्टोरी बोली गई थी, और उसी दौरान ये शब्द का प्रयोग किया गया था कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, ठीक। 24वां प्रश्न है, इसमें कौन सही नहीं है? आजादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, 90% जनता कृषि पर आधारित थी या भारत में उद्योग की कमी थी? तो इनमें कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही बच्चों ने दिया होगा, इसका आंसर है भारत में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। यही बात गलत है, खाद्यान्न के क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भर होता तो भारत गरीब नहीं होता। देखिए 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? धार्मिक उन्माद की समस्या थी, जातिवाद की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी या बिजली की समस्या थी? तो काफी सस्पिशन क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये आंसर होगा, फिर लग रहा होगा ये है, फिर ये है, फिर ये है, काफी उलझा हुआ प्रश्न है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर होगी गरीबी। बिजली की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि बिजली का आविष्कार सही ढंग से हमारे भारत में उस समय नहीं हो पाया था, और हुआ भी था तो काफी छिटपुट क्षेत्रों में ही थे, तो बिजली की समस्या नहीं कह सकते हैं। गरीबी की घोर समस्या थी, जातिवाद भी समस्या थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और उस समय काफी समानता थी। धार्मिक उन्माद की समस्या थी लेकिन बहुत कम मात्रा में थी, जो कि कुछ ही क्षण के बाद वो समाप्त हो गई थी, लेकिन गरीबी की समस्या आजादी के समय से लेकर के आज तक कुछ न कुछ बनी हुई है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ग। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था, भाषाई
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उपरोक्त दोनों ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था? किसने किया था? तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 27वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने? अगर बच्चे थोड़ा सा शांत दिमाग से इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। 28वां प्रश्न है, दूसरा पोखरण परीक्षण की पूरी प्रक्रिया किस ऑपरेशन के नाम से जानी जाती है? यह आपके विषय से नहीं है लेकिन संबंधित है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। तो ऑप्शन क्या है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, या उपरोक्त दोनों, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर तो कोई बच्चे नहीं दे पाएंगे, मैं ही इसका आंसर दे देता हूँ। तो इसका देखिए, दूसरा पोखरण परीक्षण जो हुआ था वो ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है वो प्रथम पोखरण परीक्षण के ऑपरेशन का नाम था। 29वां प्रश्न है, 1998 ईस्वी में पोखरण दो के परीक्षण को रोकने के लिए अमेरिका की कौन सी खुफिया एजेंसी नजर बनाए हुई थी? यानी कि भारत को परमाणु परीक्षण नहीं होने देना चाहता था अमेरिका, तो इसके लिए कौन सी एजेंसी को लगाया था ताकि वो ध्यान रखे? ऑप्शन ए है CIA, ऑप्शन बी है ISI, ऑप्शन सी है MASS यानी MSS, और ऑप्शन डी है M16। तो इसका आंसर कोई बच्चा नहीं दे पाएगा, चूंकि अतिरिक्त जानकारी है और इसे बच्चों को जानना चाहिए, काफी अच्छा प्रश्न है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। CIA अर्थात सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यह जो है सो अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी। ISI क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। ISI फुल फॉर्म याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए इसका डिटेल भी हमने लिखा है। ISI जो है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, यह जो है सो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है। मास MASS, तो मिलिट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी। तो यह कहाँ की खुफिया एजेंसी है शक्तिशाली? ये चीन चाइना की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है। और M16, M16 क्या है? मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 16, यह जो है UK की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है। तो ये चारों एजेंसी के बारे में आप बढ़िया से याद रखेंगे, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके डिटेल पूछे जाते हैं। तीसवा और आखिरी प्रश्न यह है, भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य कौन से नहीं हैं? यह आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है, जो पढ़े होंगे उनका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, पंजाब होगा कि हरियाणा होगा कि झारखंड होगा कि बिहार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए आप हमेशा याद रखेंगे, पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है, याद रखना बिल्कुल आसान है। हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोला जाता है, झारखंड में आदिवासी भाषा बोला जाता है, आदिवासी भाषा की प्रमुखता है, लेकिन बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है ये, और हिंदी भारत की जनभाषा है। तो बिहार का जो है सो नहीं किया गया, बल्कि ये पंजाब, हरियाणा और झारखंड, ये तीनों का किया गया है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई TPS लर्निंग चैनल। थैंक यू।